नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोग का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूँ अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी तिरुची। लेकर आ गया हूँ एक और बेहतरीन कॉलेज, यूनिक कॉलेज आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज के रिव्यूज मैं लेकर आता रहता हूँ, तो उसी दौर में मैंने सोचा कि एक और क्यों ना बढ़िया सा कॉलेज लेकर आया जाए। और आप लोग का प्यार है कि आप लोग इतने यूनिक कॉलेज के नाम सजेस्ट करते हो, मेरा काम तो बस रिव्यू बनाना ही है। आप लोग जो यूनिक कॉलेज हमारे लिए खोज कर लाते हो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो रिव्यू होने वाला है वो होने वाला है एमटेक स्टूडेंट लाइफ एट RGIPT, जिसका फुल फॉर्म है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। आज इस कॉलेज का हम पूरा का पूरा रिव्यू कर देंगे और आपको बार बताएंगे कि आपको एमटेक इस कॉलेज के अंदर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे RGIPT के बारे में। 2007 में ये कॉलेज ओपन हुआ। इस कॉलेज के कई कैंपस हैं। एक कॉलेज का कैंपस का आसाम में है, जहां पर डिप्लोमा कोर्स होता है। एक ये कैंपस है जो मेन कैंपस है, इसको बोलते हैं जैस कैंपस। ये 2007 में स्टैब्लिश हुआ। आपको जानकर बहुत आश्चर्यचकित होगा कि ऐसा कोई भी PSU नहीं है जो ऑयल से रिलेटेड जो इस कैंपस के अंदर नहीं आता हो। ये इस कॉलेज को यूनिक बनाता है। इसके साथ साथ इनका एक बैंगलोर में कैंपस है जिसको बोलते हैं एनर्जी इंस्टीट्यूट बैंगलोर, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी रिव्यू कवर कर चुके हैं। कुछ कॉलेज MHRD के अंदर में आते हैं, कुछ कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, कुछ कॉलेज सेंट्रल से हैंडल होते हैं। ये कॉलेज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री रन करता है। इस तरीके से मैंने कई कॉलेजेस आपके लिए लेकर आया था। जैसे मैंने IMSC एक कॉलेज बनाया था, अपने रिव्यू अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे जरूर देखिएगा। उस कॉलेज की जो फंडिंग है वो एटॉमिक एनर्जी मिनिस्ट्री की तरफ से आती है। तो 2007 में बना ये कैंपस को बोलते हैं जैस कैंपस। ये पड़ता है अमेठी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, अनअकैडमी लेकर आया ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022। आखिरी डेट बची है 30 जनवरी। इस पेपर को जरूर अटेम्प्ट करिए क्योंकि गेट बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, तो अपनी प्रिपरेशन को जज करने का ये बिल्कुल सही टाइम है। आपको तुरंत एनरोल करना है क्योंकि यहाँ पे टॉप पूरा सिलेबस आने वाला है, टॉप एजुकेटर है, ऑल इंडिया रैंक भी आएगी, ऑल इंडिया से इसको पूरे बच्चे दे रहे हैं। तो एनरोल करने के लिए लिंक इसके ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी लेकर आए क्रैक गेट विद कॉम्बैट। 20 क्वेश्चन है, 60 मिनट में करने हैं। 11 बजे होगा सुबह 30 जनवरी को। 5 ब्रांचेस के लिए यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है और अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप टॉप नॉच रिवॉर्ड यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसको भी एनरोल करने की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इसके साथ अनअकैडमी लेकर आया बहुत अच्छे बैचेस इलेक्ट्रिकल EC केमिकल के लिए। तो आप लोग 27 जनवरी से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इसको एनरोल कर सकते हो। इसकी भी लिंक ऑलरेडी गिवन है डिस्क्रिप्शन में। आपको बस क्या करना है एनरोलमेंट के लिए, आपको बस मेरा कोड यूज करना है SID12334। कोड को भी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, तो जाइए ऑफर को अवेल करिए। दोनों जो टेस्ट वगैरह वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेस के लिए, अगर आप एनरोल करोगे मेरा कोड से तो आपको 10% का डायरेक्टली ऑफ मिल जाए। अब आपको बताते हैं कि यहां तक पहुंचा कैसे जा सकता है। आपके पास 3 वे हो सकते हैं यहाँ पर पहुंचने के लिए, एक ट्रेन के थ्रू, एक बस के थ्रू और एक प्लेन के थ्रू। प्लेन के थ्रू आप लखनऊ जाइए, लखनऊ के बाद आप नॉर्मल बस सर्विस वगैरह लेकर आप इस कैंपस तक पहुंच सकते हैं, या कार सर्विस लेकर। सेकंड वे यही बनता है, लखनऊ आइए या सुल्तानपुर के वाया रोड जाकर आप अमेठी जैस कैंपस पहुंच सकते हैं। थर्ड आता है आप लोगों के लिए ट्रेन। तो जैस खुद एक स्टेशन है, तो आप डायरेक्टली वहां स्टेशन पर भी जा सकते हैं ट्रेन वगैरह लेकर। तो ये 3 वे होते हैं। आपको ये बता दूं, जैस जो है ये कैंपस है ये थोड़ा आउटर में बना हुआ है, गांव के एरिया में बना हुआ है। 150 एकड़ के लैंड में ये पूरा कैंपस बना हुआ है। अब बताते हैं कैंपस में एडमिशन प्रोसेस एमटेक को लेकर। तो मैं बता दूं यहाँ पे जो ब्रांचेस चलती है वो 2 ब्रांचेस चलती है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और सेकंड ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग। एमटेक यहाँ पर सिर्फ होता है। इनका जो एमटेक बैंगलोर वाला कैंपस है उसमें एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे ब्रांचेस चलते हैं, तो उस रिव्यू को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब बताते हैं यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस पूरा कैसे रहता है। तो इन 2 ब्रांचेस के लिए जो एडमिशन होता है वो गेट स्कोर के बेसिस पर होता है। विदाउट गेट यहाँ पर कोई भी एडमिशन नहीं होता है। गेट आपको कितना चाहिए, बस क्वालिफाइंग चाहिए। उस क्वालिफाइंग के बेसिस पे आपका इंटरव्यू के लिए आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है। इंटरव्यू में अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 लोगों की पैनल होती है और गेट के बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन और आपका जो प्रोजेक्ट वगैरह UG का उससे रिलेटेड आपका सिलेक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स वगैरह कैसे रहती है। तो इन कॉलेज की कोई सीट मैट्रिक्स फिक्स नहीं है कि इस किस ब्रांच में कितने स्टूडेंट लेंगे। रिक्वायरमेंट के हिसाब से और पसंद जैसे स्टूडेंट आए हैं उस हिसाब से यहाँ पर एडमिशन होता है। तो आप लोगों को बता दूं, लास्ट ईयर यहाँ पर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 5 बच्चों को लिया गया था और केमिकल में लिया गया था 3 बच्चों को। इस साल केमिकल इंजीनियरिंग में 0 बच्चों का एडमिशन हुआ है, 1 को भी नहीं लिया है। पेट्रोलियम में 10 बच्चों का एडमिशन हुआ है। अब बात कर लेते हैं, जो लोग यहाँ पर गेट से आते हैं तो उनको 12,400 रुपए का यहाँ पर स्टाइपमेंट मिलता है। तो विदाउट गेट का यहाँ पर कुछ प्रोसेस है ही नहीं। स्टडी की बात करूं तो स्टडीज बहुत अच्छी होती है। मोस्ट ऑफ द फैकल्टी जो है वो IIT से और अब्रॉड से होकर आई है, तो
तो बहुत अच्छा पढ़ाई होती है यहाँ पे, पढ़ाई कल्चर तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ एमटेक की बात करें तो मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, यहाँ पे लैब सारी स्टेब्लिश है बहुत अच्छी मेन कैंपस के अंदर, और कई जगह पर क्या है एमटेक वाले स्टूडेंट ही लैब को हैंडल करते हैं, पूरी लैब को ओन करते हैं, बिकॉज यहाँ पर पीएचडी स्कॉलर्स भी कम है और लैब्स ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग को एमटेक वालों को पीएचडी कुछ नहीं मिला होता है, तो वो लैब वो एमटेक वाले और जो फैकल्टी होती है वो हैंडल करते हैं, तो एमटेक वालों को काफी ओपन हैंड मिलता है अपना रिसर्च वर्क करने के लिए, तो ये कॉलेज की बहुत अच्छी खासियत है। अब बात कर लेते हैं फीस वगैरह की, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी एडमिशन फीस लगती है, इसके साथ साथ करीब 20,000 रुपीज हॉस्टल फीस और खाने की फीस लगती है। यहाँ पर जो हॉस्टल्स है वो 5 ब्लॉक में डिवाइडेड है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 400 से ज्यादा स्टूडेंट आ सकते हैं। ये 5 ब्लॉक्स में एक ब्लॉक पूरा पीएचडी एमटेक के लिए है, एक ब्लॉक में गर्ल्स रहती हैं और बाकी ब्लॉक्स में यूजी के स्टूडेंट रहते हैं। एक ही मैस बनी हुई है हॉस्टल के अंदर, उसी मैस में सारे लड़के लड़कियां सभी लोग वहां पर खाना खाते हैं, क्योंकि 400 की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती भी नहीं है। इसके साथ साथ बता दूं कैंटीन वगैरह बाकी सारी जो सुविधा होती है वो आपको इस कैंपस के अंदर मिल जाने वाली है। स्पोर्ट्स की भी इस कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटी है, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर कलतरंग और एनर्जिया दो स्पोर्ट्स फेस्ट और कल्चरल फेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा टाइमिंग वगैरह को लेके, तो यहाँ पर बच्चों पे किसी भी टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब हॉस्टल से बाहर निकले कि बच्चे आराम से एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को इंटर्नशिप के रिलेटेड बताता हूँ एमटेक के लिए स्पेशली। जैसे कि आपको पता है कि इस कॉलेज के अंदर हर पीएससी आती है, ऑलमोस्ट ONGC, IOCL, HPCL, BPCL, आप एक बार जाइए इनकी कॉलेज की वेबसाइट को विजिट करिए तो आपको समझ में आएगा। पर मोस्ट ऑफ देम ये जो बच्चे हैं ये सिलेक्ट होते हैं बीटेक से, या कहूं को तो 99% बच्चा बीटेक से ही सिलेक्ट होता है पीएससी के लिए, क्योंकि पीएससी बीटेक के लिए आते हैं, क्योंकि बीटेक को आपको पता होगा इस कॉलेज का बीटेक जेई एडवांस के थ्रू लिया जाता है। तो एमटेक के लिए बता दूं एमटेक के लिए पीएससी वगैरह नहीं आती है, बट इस साल यहाँ पर EIL आई थी बच्चों को लेने, पर किसी बच्चे को उन्हें लिया नहीं। इसके साथ साथ यहाँ पर नॉन कोर और कोर में भी थोड़ी बहुत कंपनीज आती है, पर कोर में उतना अच्छा खास प्लेसमेंट नहीं है। नॉन कोर में आपको बता दूं 2-3 कंपनीज यहाँ पर, जैसे एक बायजूस आई थी टीचिंग पोस्ट के लिए, उन्होंने 6 LPA के अप्रोक्सीमेटली ऑफर दिया था। टैलेंट एक्विजिशन करके आई थी, उन्होंने भी अप्रोक्सीमेटली 6-7 के आसपास का ऑफर दिया था। तो कोर में बहुत अच्छा कुछ नहीं है, बट हाँ रिसर्च के मामले में आपको बता सकता हूँ, रिसर्च के मामले में बहुत अच्छा है। तो अब बता देता हूँ और कंपैरिजन कर लेते हैं IITs एंड IITs के कंपैरिजन में। तो अगर आप लोगों को IITs से ऑफर है तो आप IITs को प्रेफर करिए, और टॉप NIT से ऑफर है, टॉप 4 NIT, तो आप NITs को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप इस कॉलेज को प्रेफर करिए। क्यों? उसके बाद एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि सेकंड जनरेशन NITs से थोड़ा सा ऊपर है ये कॉलेज, लेकिन इसकी एक और खासियत बात है इसकी फीस बहुत ज्यादा नहीं। जैसे आपको मेरे कॉलेज का बता दूं, तो मेरे कॉलेज में मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,14,000 पड़ती है टोटल, अगर हॉस्टल और एकेडमिक्स को मिलाया जाए तो। अप्रोक्सीमेटली आपका स्टाइपेंड भी उस फीस को पूरा नहीं कर पाएगा। यहाँ पर फीस उतनी ज्यादा नहीं है, पढ़ाई बहुत अच्छी आ रही है, और रिसर्च में अगर आपको करियर बनाना है तो ये कॉलेज काफी ज्यादा अच्छा है। आपको RGIPT से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, वीडियो को शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बने रहिए, जुड़े रहिए सिद्धार्थ लाइव के साथ।